दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक से ज्यादा शेड्स को कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में भी मैं यहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसकी शेयर प्राइस आज के दिन आपको 140 रुपए की देखने को मिल रही है, लेकिन वही शेयर कल से आपको 28 रुपए पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं टाटा पावर के साथ में, जहां पर आज के दिन आपको 1% की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल स्टॉक मार्केट में गिरावट थी, तो मैक्सिमम शेयर्स के अंदर आज के दिन हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है, लेकिन टाटा पावर को लेकर जो न्यूज़ निकल कर आई है वो न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर, टाटा पावर एंड DDL टाई अप विथ ब्लॉक नोट्स टू कंडक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम विथ फॉर डिस्कॉम्स। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ने ब्लॉक नोट्स के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए बिल्डिंग ट्रेनिंग इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। आप देख सकते हैं, दिस कोलैबोरेशन विद ब्लॉक नोट्स इज येट अनदर स्टेप इन दिस डायरेक्शन ऑफ इम्पार्टिंग रिलीवेंट ट्रेनिंग टू द पावर सेक्टर प्रोफेशनल्स इन द इंटरनेशनल डोमेन एंड होप फॉर अ मैनुअली इनरिचिंग एसोसिएशंस। तो यहाँ पर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाटा पावर के जो CEO हैं, जो चीफ हैं मिस्टर प्रवीण अग्रवाल, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। तो अल्टीमेटली ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, तो इसके चलते कल के दिन आप टाटा पावर के ऊपर फोकस रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहां पर आज के दिन आपको 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि टाटा पावर की एक नेगेटिव न्यूज़ तो हमें ऑलरेडी पता है। टाटा पावर जो मोनेटाइजेशन का टेंडर लेकर आ रही थी, उसे टाटा पावर ने पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया है, यानी कि कैंसिल कर दिया है। लेकिन आज ही के दिन मार्केट सेशन में जब IRCTC की तरफ से एक और बड़ी प्रेस रिलीज निकल कर आई, उसके बाद ये गिरावट और ज़्यादा बढ़ गई। IRCTC ने क्लैरिफाई कर दिया है कि गवर्नमेंट ने जो IRCTC का OFS का प्लान था उसे ड्रॉप कर दिया है। आप देख पाएंगे IRCTC इशूड क्लैरिफिकेशन टू एक्सचेंज ऑन मंडे आफ्टर मीडिया रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉप इट्स प्लान फॉर IRCTC ऑफर फॉर सेल फॉर नाउ ड्यू टू वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन। तो गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर इसको लेकर जो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल रिजेक्ट किया है, उसके पीछे का जो रीज़न दिया है वो मार्केट के अंदर जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जिस प्रकार के मार्केट की कंडीशन से, उसको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। IRCTC OFS के थ्रू लगभग 3,000 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग की यहाँ पर बात कर रही थी। तो अल्टीमेटली इस न्यूज़ के चलते भी IRCTC की शेयर प्राइस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो फ्रेश पोजीशंस अभी आप IRCTC के अंदर अवॉइड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड। आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन पिछले 5 दिन में टाइटन कंपनी के अंदर आपको 4.5% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही। जब से टाइटन कंपनी ने कहा है कि US के अंदर टाइटन कंपनी अपने न्यू शोरूम्स ओपन करने जा रही है, उसके बाद में टाइटन कंपनी को लेकर एक्सपर्ट्स की भी तरफ से काफ़ी बड़े टारगेट निकल कर आ रहे हैं। आज ही के दिन चंदन तापरिया की तरफ से टाइटन को लेकर बाय की रेटिंग दी गई है, और शॉर्ट टर्म में 2650 रुपये के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आपने टाइटन के अंदर खरीदारी कर रखी है, तो आप अपनी पोजिशंस को यहाँ पर होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, आज के दिन पूरी निफ्टी IT हमें काफ़ी तेज़ी से क्रैश होते हुए देखने को मिली। इन्फोसिस की बात करें, ऑलमोस्ट 4% से हमें क्रैश होते हुए देखने को मिला। TCS की बात करें, लगभग 2.5% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली, लेकिन TCS को लेकर आज के दिन एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कम्युनिटी फाइबर सेलेक्ट TCS ऑप्स टू ट्रांसफॉर्म इट्स ऑपरेशन एंड ड्राइव फ्यूचर ग्रोथ। तो इसके लिए यहाँ पर TCS को चुना गया है। आप देख सकते हैं, TCS अनाउंस दैट कम्युनिटी फाइबर लंदन लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट 100% फुल फाइबर ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर हैज सिलेक्टेड द TCS ऑप्स प्लेटफॉर्म टू हेल्प मॉडर्नाइज इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। तो यहाँ पर लगभग 3.7 मिलियन होम्स के अंदर आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2024 तक TCS अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट TCS के हाथ लगते हुए देखने को मिल रहा है, और अल्टीमेटली इससे TCS को लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो यदि आपने TCS के अंदर भी खरीदारी कर रखी, 3,000 रुपये के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप अपनी पोजिशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं।
बात करते हैं अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप अनदर दो नई कंपनियों को इनकॉर्पोरेट करने जा रही है, जिसमें अगर बात करें अडानी टोटल गैस, तो अडानी टोटल गैस की ये दोनों कंपनियां सब्सिडरी रहेगी। आज के दिन इसी न्यूज़ के चलते आपको अडानी टोटल गैस के अंदर लगभग 2.5% की शानदार तेजी भी देखने को मिल रही है। न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। अडानी टोटल एनर्जीज बायोमास लिमिटेड विद एन इनिशियल ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ इंडियन रुपीज 1 लाख एंड पेडअप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड अडानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड विद एन इनिशियल ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। तो यहाँ पर इन दो कंपनियों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये दोनों कंपनियाँ होली ओन सब्सिडरी रहेगी अडानी टोटल गैस की, यानी कि इन कंपनियों से जो भी कंपनी को रेवेन्यू, जो भी कंपनी को प्रॉफिट लॉस जनरेट होगा, वो अडानी टोटल गैस के अंदर आपको मर्ज होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ अडानी टोटल गैस के शेयर होल्डर्स के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। तो यदि आपने अडानी टोटल गैस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इस शेयर्स के चलते आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको अडानी टोटल गैस के अंदर भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है SRF लिमिटेड। आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 1% की तेजी देखने को मिल रही है। बात करें SRF की, तो SRF को लेकर भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। इंदौर के अंदर SRF लिमिटेड अपना सेकेंड BOPP फिल्म लाइन एंड मेटलाइजर्स ओपन करने जा रही है, जिसकी अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो लगभग 463 करोड़ रुपीस की इसकी कॉस्ट होने वाली है। तो SRF के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और इसके चलते यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंडियन रेलवे से ही रिलेटेड है। रेल विकास निगम लिमिटेड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आज के दिन आपको शेयर्स के अंदर 2.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो लगभग 7 से 7.25% की तेजी आपको RVNL के अंदर देखने को मिल चुकी है। बात करें RVNL को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भेल लिमिटेड के साथ में, जिसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। और इसी के चलते यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत पॉलिसीज चलाई है, उसके चलते ये जो MOU है वो साइन किया गया है, और ये जॉइंटली वर्क करने वाले हैं फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस को लेकर। तो इन दोनों कंपनियों को उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इसी के चलते आपको RVNL के अंदर इतनी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन एक ये स्लो मूविंग शेयर है, तो यदि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है कृतिका वायर्स लिमिटेड। आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। 140 रुपये इसकी शेयर वैल्यू देखने को मिल रही है। रिसेंटली मई 2022 में ही हमें इस कंपनी का IPO आते हुए देखने को मिला था, और IPO के बाद में कंपनी लगभग 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। इस कंपनी के अगर फंडामेंटल्स नंबर्स की बात करी जाए, तो कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कंपनी ने रिसेंटली यहां पर 1:5 के रेशो का स्प्लिट भी अनाउंस किया था, जिसकी अगर रिकॉर्ड डेट की बात करी जाए, एक्स डेट की बात करी जाए, तो वो कल के दिन हमें कंडक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो यदि आपने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये जो 140 रुपये का शेयर है, ये कल से आपको 28 रुपये की वैल्यू पर देखने को मिलने वाला है। तो यदि आप इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर मन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।